गुड मॉर्निंग सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सारे मेरे सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हाँ जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूँ कि अभी फ्रेजल वर्ब का सीरीज चल रहा है ठीक है सबसे बड़ा दुख दर्द है बच्चों का फ्रेजल वर्ब्स और ये जो फ्रेजल वर्ब्स के लिए परेशान हो रहे थे मैम आपने फ्रेजल वर्ब का क्लास क्यों बंद कर दिया अरे मैंने कुछ भी बंद नहीं किया है क्लास वगैरह बस आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रेजल वर्ब बार बार कमेंट्स नहीं करना है एक बार अच्छे से सुन लेना है ये जो फ्रेजल वर्ब का सीरीज चल रहा है ना ये चलेगा थर्सडे को ठीक है तो ये मत बोलना कि मैम आपने क्यों बंद कर दिया फ्रेजल वर्ब का सीरीज कब आएगा फ्रेजल वर्ब्स फिर से आ गया आपका लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को करवाया था ना मैंने तो बस ध्यान से सुन लेंगे फ्रेजल वर्ब्स मैं थर्सडे और फ्राइडे को करवाने वाली है जैसे मैंने लास्ट थर्सडे आपको क्या करवाया था लास्ट थर्सडे पुट करवाया था फ्राइडे को कॉल करवाया था पुट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स है तो जो बच्चे उस सेशन को नहीं देख पाए थे ना एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए फ्रेजल वर्ब प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ आपको फ्रेजल वर्ब मिलेगा और फ्रेजल वर्ब से पुट से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब्स करवाए थे मैंने फिर कॉल से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब्स करवाए हुए हैं और सबका पी भी टेलीग्राम पर दे दिया है मैंने ठीक है और कल मैंने जो वन वर्ड पढ़ाया था उसका भी पी टेलीग्राम पर डाल दिया तो बेटर है कि टेलीग्राम से जुड़ जाना है इंग्लिश विद रानी मैम यू सी लाइव इसका मैंने लिंक पिन भी कर दिया ऊपर देखो जहाँ पे लाइव कमेंट्स आ रहा है ऊपर एक लिंक पिन किया है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ आपको ये वाला फ्रेजल वर्क का शीट भी मिल जाएगा पीडीएफ इसका भी मिल जाएगा और कल जो वन वर्ड पढ़ाया उसका भी मिल जाएगा ठीक है तो ये तो फ्रेजल वर्क की बात हुई ठीक है और आज हम तीसरा आज थर्सडे है आज हम तीसरा फ्रेजल वर्क करने वाले हैं डेट इज लुक लुक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स है वो करने वाले हैं जो बच्चे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब क्या होता है वर्ब में जब प्रेपोजिशन जुड़ जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है और जब वर्ब में प्रेपोजिशन जुड़ता है ना तो उस वर्ब का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है जैसे मैंने बोला लुक का मतलब है देखना और लुक में एक प्रेपोजिशन जुड़ गया अब इसका मतलब चेंज हो गया लुक अप का मतलब होता है ढूंढना लुक का मतलब है देखना लुक में एक प्रेपोजिशन जुड़ गया इंटू जुड़ गया अब इसका मतलब चेंज हो गया लुक इंटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना ठीक है तो ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं लुक आफ्टर स्केयर करना ओके okay, तो चलो स्टार्ट किया जाए अब स्टार्ट किया जाए फ्रेजल वर्ब्स फाइनली हम लोग अपना लुक वाला करेंगे मैंने पुट वाला करवा दिया कॉल वाला करवा दिया है और रिविजन करते रहिएगा ठीक है थीके? रिविजन करते रहना रिविजन करेंगे रिविजन करेंगे तभी तो याद रहेगा ना नहीं तो ऐसे याद नहीं रहने वाला ओके okay, तो चलो लेट स्टार्ट लुक एट लुक एट का मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यान से देखना वॉच करना वॉच करना आई वॉज लुकिंग एट हिम वाज लुकिंग एट द टेलीविजन लुक एट का मतलब होता है वॉच करना वॉच करने का मतलब क्या है जब भी आप किसी चीज को ध्यान से देख रहे हो ना उसको हम वॉच बोलते हैं और लुक और वॉच में क्या डिफरेंस है लुक के साथ एट लगता है बट वॉच के साथ एट नहीं लगता है इसे मैंने लिखा आई एम आई एम वॉचिंग एट हर गलत है आई एम मैं उसको ध्यान से देख रही हूँ मैं उसमें तो मैं वॉच कर रही हूं मतलब बहुत केयरफुली देख रही हूँ तो वॉच के साथ एट मत लगाना बट आई एम लुकिंग एट लगा सकते हो लुकिंग के साथ एट लगाओगे लुकिंग एट इज इक्वल टू वॉच लुक के साथ एट लगाओगे तभी तो वो वॉच का सेंस देगा ना तो so वॉच के साथ एट मत लगाना लुक के साथ एट लगाना तो दे वर लुकिंग एट ईच अदर एंड स्माइलिंग ये दूसरे की तरफ ध्यान से देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे ये तो ईजी है सबको पता है हाँ यू आर लुकिंग एट योर वॉच लुकिंग एट सामबडी ध्यानपूर्वक देखना दूसरा अब जो लुकअप अब यहीं पे दो तीन चीज समझ लेना है दूसरे वाले स्लाइड में है भी एक होता है लुक अप ठीक है दूसरे वाले स्लाइड में है लेकिन अगर मैं साथ साथ समझाते जाऊं ना तो ईजी हो जाएगा इजी हो जाएगा जाए, आपका काम इजी हो जाएगा लुक एक होता है लुक फॉर और एक होता है लुक अप टू लुक अप टू अब ध्यान से देखो तीनों को ये है लुक अप ये है लुक अप टू और ये है लुक फॉर अप का मतलब क्या होता है अप का मतलब भी होता है ढूंढना ठीक है अप का मतलब भी है किसी चीज को ढूंढना और लुक फॉर का मतलब भी होता है ढूंढना किसी चीज को ढूंढना लेकिन दोनों में डिफरेंस है अगर डिक्शनरी में मीनिंग वगैरह ढूंढ रहे हो ना जैसे ऐसा नहीं है कि आपका डिक्शनरी का मीनिंग खो गया है आप उसको ढूंढ रहे हो किसी रेफरेंस वगैरह के लिए कोई चीज जानकारी के लिए नॉलेज के लिए किसी चीज को ढूंढ रहे हो रेफरेंस के लिए तो वहां पे लुक अप लगाओगे लेकिन अगर आपकी कोई चीज खो गई है आपका मोबाइल खो गया आपका बुक खो गया को, आपके फ्रेंड खो गए कोई चीज खो गया है या कोई चीज छुपा हुआ है या खो गया है उसको ढूंढ रहे हो तो लुक फॉर लगाना आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल सेल फोन आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड ठीक है हाँ और एक होता है अप टू आप बोलोगे अप का मतलब तो ढूंढना होता है अप लुक अप टू अप टू का मतलब है एकदम ऊपर किसी को सम्मान भाव से देखना रिस्पेक्ट करना रिस्पेक्ट करना ठीक है तो ये चीज को ध्यान रखना है हाँ ये चीज को ध्यान रखना है कि एक है लुक अप लुक अप मतलब ढूंढना ठीक है और अप टू का मतलब है किसी को रिस्पेक्ट भाव से देखना अभी लिखना नहीं कुछ भी लिखना नहीं रिस् रिस्पेक्ट भाव से देखना और एक होता है ना लुकअप अप देख रहे हो जैसे भगवान ऊपर है आप भगवान को रिस्पेक्ट भाव से देख रहे हो ठीक है भगवान की मूर्ति जनरली करते हैं ना आपसे हाइट से थोड़े से ऊपर लगाते हैं और एक होता है लुक डाउन लुक डाउन का मतलब है एकदम नीचे ये तो लुकअप का मतलब है रिस्पेक्ट करना और लुक डाउन एक ऑन होता है और एक अपॉन होता है लुक डाउन अपॉन का मतलब है किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना किसी को इंसल्ट करना किसी को तुच्छ नजर से देखना इन्फीरियर समझना तो याद रखना लुक अप टू का मतलब है ऊपर रिस्पेक्ट देना और डाउन का मतलब है किसी को सम्मान नहीं देना इंसल्ट करना डाउन ऑन भी होता है लुकडाउन अप ऑन भी होता है, ठीक है तो ये चीज़ याद रखना है ये चीज़ याद रखना लुक अप टू यू रिस्पेक्ट करना डाउन इंसल्ट करना और अकेला लुकअप का मतलब होता है सर्च करना वैसे सारे सारा है सारा चीज़ है आपके स्लाइड में है टेंशन लेने की बात नहीं है तो मैं थोड़ा कंपेरिजन कर करके सामने पढ़ा रही हूँ आपका ईजी हो जाए ठीक है तो लुकअप का मतलब क्या होता है अकेला लुकअप का मतलब होता है ढूंढना ठीक है अकेला लुकअप का मतलब होता है कंसल्ट करना किसी चीज़ को सर्च करना आई लुक लुकअप द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी डिक्शनरी में मीनिंग को ढूंढ रहे हो ऐसा नहीं है कि मीनिंग खो गया है सिंपली रेफरेंस के लिए कंसल्ट करने के लिए ढूंढ रहे हो और दूसरा एक लुकअप का और मतलब होता है एक लुकअप रिसेंट एग्जाम्स में आया हुआ है। एक लुकअप का मतलब तो ढूंढना होता है, ठीक है? ठीक ढूंढना। और एक लुकअप का मतलब है चीजों का धीरे धीरे इंप्रूव होना ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि अगला हफ्ता वेदर अच्छा होने वाला है थिंग्स आर लुकिंग अप या द इकॉनमी इज लुकिंग अप द इकोनॉमी इज लुकिंग अप का मतलब है मतलब यहां ढूंढने के सेंस में नहीं है ठीक है यहां इकॉनमी इंप्रूविंग के सेंस में इंप्रूविंग इम्प्रूविंग अलग होता है हुकप का मतलब है अट्रैक्ट करना अपने झांसे में लेना ओके okay? तो यहां लुकअप का मतलब क्या जा रहा था यहां लुकअप यहां भी मैंने लुकअप यूज किया बट यहाँ लुकअप का मतलब है ढूंढने के सेंस में बट यहाँ लुकअप का मतलब है इंप्रूव होने के सेंस में ये मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवाऊंगी ठीक है दूसरा लुक फॉर लुक फॉर पता ही है जो चीजें छुपी हुई है जो चीजें इसका मतलब भी होता है सर्च करना बट जो चीजें खो गई है आई वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक ही वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब ढूंढ रहा है. ठीक है उसके लिए उसके लिए ओके लास्ट में मैं एक बार पूछूंगी ठीक है अब बस याद रखना लुक अप लुक अप का मतलब है ढूंढना बार बार रिपीट करोगे याद हो जाए अप का मतलब है ढूंढना लुक अप टू इसका मतलब है अप टू मतलब रिस्पेक्ट करना लुक अप रिस्पेक्ट टू टू लगा रहना चाहिए और एक है लुक डाउन लुक डाउन अपॉन का मतलब है किसी को इन्फीरियर समझना इंसल्ट करना और आप बोलोगे कि मैम अप का मतलब भी सर्च है और लुक फॉर का मतलब भी सर्च है बट ये कोई चीज खो गई है उसको ढूंढ रहे हो नेक्स्ट लुक ओवर लुक ओवर और लुक थ्रू दोनों का मतलब पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम से जुड़ जाइए टेलीग्राम से जुड़ जाइए सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे लुक ओवर लुक ओवर का मतलब अच्छा एक और वर्ड होता है ओवर लुक अगर मैं पूछूं कि ओवर लुक और लुक ओवर में क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस है ये लुक ओवर एक फ्रेजल वर्ब है ठीक है लुक ओवर एक फ्रेजल वर्ब है क्या से बनाया है वर्ब अलग है प्रेपोजिशन अलग है लुक ओवर का मतलब है किसी चीज़ को एग्जामिन करना केयरफुली ठीक है लुक ओवर करना मतलब एग्जामिन करना एग्जामिन करना और एक होता है ओवर लुक ये फ्रेजल वर्ब नहीं है ये अलग अलग नहीं है ऐसा नहीं है कि वर्ब अलग है प्रेपोजिशन अलग है ओवर लुक करना एक वर्ब है जिसका मतलब है अनदेखा करना किसी चीज को इग्नोर करना किसी चीज को कंडोन करना अनदेखा कर देना तो वो अलग है वर्ब अलग होता है अलग होता है। लुक थ्रू या लुक ओवर दोनों का मतलब होता है एग्जामिन करना ठीक है हाँ तो देखो वी लुकड ओवर द हाउस अगेन हमने घर को फिर से एक बार देखा घर को रेंट करने के पहले हमने अच्छे से जांच पड़ताल कर लिया कैन यू कैन यू लुक थ्रू योर नोट्स एक बार नोट्स को अच्छे से देख लोगे और डिसाइड करो कि कौन सा सोल्यूशन बेस्ट रहेगा तो यहां पे कोई भी चीज को ध्यानपूर्वक uh, है एग्जामिन करना।, करना ओके नेक्स्ट लुक इनटू ये तो पता है लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना लुक इनटू द मैटर इन्वेस्टिगेट करना लेकिन ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिगेट करना इन्वेस्टिगेट के साथ इंटू नहीं आता है लुक के साथ तो इंटू आएगा तभी इन्वेस्टिगेट का सेंस आएगा बट इन्वेस्टिगेट के साथ इंटू मत लगाना अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड लुक में इंटू लगाओगे तभी इन्वेस्टिगेटेड का सेंस देगा तो लुक में तो इंटू लगाना जरूरी है तभी जांच पड़ताल का सेंस देगा बट इन्वेस्टिगेट का मतलब ऑलरेडी है जांच पड़ताल उसके साथ इंटू नहीं लगाना द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर बट द पुलिस लुक डू द मैटर जांच पड़ताल ओके नेक्स्ट लास्ट में मैं एक बार सब पूछूंगी आपसे लुक डाउन अपॉन तो बता दिया किसी को डाउन डाउनग्रेड मानना मतलब तुच्छ नजर से देखना किसी को इन्फीरियर समझना इंसल्ट वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर पुअर की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए सी इन टू भी होता है हाँ सी इन टू में हम सी वाले में अलग से करेंगे सी इन टू का मतलब भी होता है इन्वेस्टिगेट करना इन्वेस्टिगेट करना सी इन टू द मैटर भी होता है जैसे सी वाले वर्ड में मैं आपको अलग से करवाऊंगी जैसे सी इन टू और लुक इन टू दोनों का मतलब होता है जांच पड़ताल करना दोनों का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना ऐसे तो सी का मतलब देखना होता है इसमें इंटू लगाओगे तब जांच पड़ताल का सेंस आएगा लुक के साथ भी इंटू लगाओगे तब जांच पड़ताल का सेंस आएगा बट इन्वेस्टिगेट का मतलब है ऑलरेडी जांच पड़ताल इंटू लगाना लुक डाउन अपॉन का मतलब है किसी को इंसल्ट करना ठीक है नेक्स्ट अप टू तो बता दिया अप टू का मतलब है रिस्पेक्ट करना वो अपने भाई को बहुत रिस्पेक्ट करता है अपना ओल्डर ब्रदर या एल्डर ब्रदर ओल्डर भी सही है ही लुक्स अप टू ये मत सोचना कि मैम अपने भाई बहन में तो एल्डर लगता है ओल्डर भी लगाते ओल्डर भी लगाते अच्छा इन्वेस्टिगेट इन टू एरर डिटेक्शन में आया था इसीलिए मैंने बताया आपको बहुत जगह मैंने एरर में इन्वेस्टिगेट के साथ इंटू लगा देते इंस्पेक्ट के साथ इंटू लगाते हैं इंस्पेक्टेड इंटू सेम दूसरा लुक फॉरवर्ड टू ये तो मैंने आपको जीरेन पढ़ाते वक्त वर्ब में भी पढ़ाया था जैसे आपको आपको याद होगा मैंने बताया था ना लुकिंग फॉरवर्ड टू अपने साथ हमेशा जीरेन लेता है क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है तीन वर्ड से बना है प्रेपोजिशन फ्रेज है लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है होप करना एक्सपेक्ट करना ठीक है एक्सपेक्ट करना एंटिसिपेट करना किसी पॉजिटिव चीज की आशा करना जैसे द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे रिजल्ट की आशा कर रहे हैं मैं आपसे मिलने की आशा कर रही हूं तो लुप कर होप करना एक्सपेक्ट करना आशा करना कोई पॉजिटिव चीज के होने की ये तो मैंने आपको करवाया आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था लुकिंग फॉरवर्ड टू तो के साथ जीरेंड आता है <coughs> आईएनजी आता है यहाँ आपने आईएनजी लगाया क्योंकि ये जीरेंड है नाउन है यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ असली वाला नाउन है ऑलरेडी नाउन है इसको आईएनजी मत बनाना होप करना हम लुक फॉरवर्ड टू बहुत आता है एग्जाम लुक आफ्टर तो पता ही लुक <coughs> आफ्टर का मतलब होता है ना केयर करना देखभाल टेंड करने का मतलब भी है देखभाल करना लुक आफ्टर ही लुक्ड आफ्टर शी लुक्स आफ्टर अर मदर मदर की देखभाल करती है लिखिए फटाफट इसको नेक्स्ट वाला हाँ एक होता है ना लुक ऑन इसके बाद लुक ऑन भी होता है एक होता है लुक ऑन दोनों को याद रखना लुक ऑन और एक होता है लुक ऑन एज लुक ऑन एज का मतलब है रिगार्ड करना कंसिडर करना किसी को मानना जैसे आई ऑलवेज लुकड ऑन हिम एज द आइडियल कैंडिडेट मैंने उसको ऑलवेज आइडियल कैंडिडेट कंसिडर किया माना मैं उसको एक आइडियल कैंडिडेट मानता हूं तो लुक ऑन का मतलब होता है कंसीडर करना लुक ऑन एस का मतलब ठीक है लुक ऑन एस का मतलब होता है कंसिडर करना लेकिन लुक ऑन का मतलब है ना किसी चीज को ना सिर्फ देखना बट नॉट डूइंग एनी थिंग टू हेल्प जैसे सड़क पर कोई हादसा हुआ है कोई आदमी एक्सीडेंट से पड़ा हुआ है और आप लुक ऑन कर रहे हो मतलब सिर्फ उसको देख रहे हो और कोई हेल्प नहीं कर रहे हो ओके यू आर सिंपली वॉचिंग वॉट इज हैपनिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग ओके बहुत बिना कुछ किए बस चीजों को देख रहे हो वेन द ओल्ड मैन फेल ओवर टू वुमेन रैन ओवर टू हेल्प हिम दो वुमेन तो उसको देखने गई बट एवरी वन एल्स वहाँ सिर्फ बैठ के सब लुक ऑन कर रहे थे लुक ऑन कर रहे थे सिर्फ उसको देख रहे थे बट कुछ मदद के लिए कर नहीं रहे थे लुक ऑन करना मीन्स नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर हेल्प सिंपली चीजों को देखना ठीक okay. मतलब है, नेक्स्ट और लुक ऑन लुक ऑन एज का मतलब रिगार्ड करना कंसिडर करना लास्ट में मैं एक बार सब पूछती हूं आपसे और एक और लुक टू लुक टू योर मैनस का मतलब होता है ना लुक टू का मतलब एक तो लुक टू लुक टू का मतलब होता है टू कंसिडर समथिंग मतलब किसी चीज के बारे में सोचना और इसको इंप्रूव करने के लिए सोचना लुक टू का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिससे चीजों को आप इंप्रूव कर सको और भी बेटर बना सको जैसे लुक टू योर मैनर्स लुक टू योर मैनर्स मतलब अपने मैनर्स को और भी इंप्रूव करो मैनर्स को और भी इंप्रूव करिए लुक टू योर मैनर्स माइंड माइंड योर मैनर्स और एक होता है लुकआउट लुकआउट का मतलब होता है बहुत केयरफुल होना बहुत सचोई सचेत होना बहुत अलर्ट होना कभी कभी ना हम लुक टू को भी केयरफुल के सेंस में लिख देते हैं वी नीड टू लुक टू वेज हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना है कैसे मार्केटिंग को अपना इंप्रूव करना है इस पर ध्यान देने की जरूरत है इसको इंप्रूव करने की जरूरत है ठीक है तो चलो एक बार आपने स्कैन कर लिया है अब मैं एक बार रिविजन करवा दूँ आपको सबने अपने अपने दिमाग में स्कैन और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना है सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना है बोरी हो ना चलो लिखा जाए आर्गे साइड होना है हाँ एक बार रिवीजन कर लिया जाए टोटल कितने फ्रेजल वर्ब है वो सब 500 सेंटेंसेस का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं रुको 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 जहां पे जगह है ना तो यहां पे हमारे पास बहुत जगह है चलो एक बार रिवीजन करते हैं ठीक है रिवीजन। सबका मुझे बताओगे बारी बारी से अभी लिखने दो पहले लुक एट रिविजन करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे लुक एट ठीक है फिर आपका मैं करवाती हूं लुक इन टू ठीक है इसका मीनिंग आप मुझे बताओगे बारी बारी से करेंगे एक है लुक अप दूसरा लुक फॉर फिर है लुक लुक अप टू फिर सिक्स है लुक डाउन अपॉन चलो अब मुझे आंसर बताओ लुक डाउन अपऑन भी होता है और लुक डाउन ऑन भी होता है दोनों होता है चलिए जल्दी से बता दीजिए लुक एट का मतलब क्या है एक बार रिविजन हो जाए एक बार रिविजन हो जाए लुक एट का मतलब है किसी भी चीज़ को ध्यान से वॉच करना और लुक इनटू का मतलब है लुक इन टू का मतलब है जांच पड़ताल करना प्रोब करना जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेट करना ठीक है इन्वेस्टिगेट करना जांच पड़ताल करना लुक इन टू द मैटर द पुलिस लुक इन टू द मैटर लुकअप का मतलब क्या है लुकअप का मतलब होता है ढूंढना और लुक फॉर का मतलब भी होता है ढूंढना बट कोई चीज खो गई है या कोई चीज छुपा हुआ है खो गया है उसके लिए लुक फॉर बट लुक अप का मतलब है कोई भी चीज रेफरेंस के लिए ढूंढ रहे ठीक है थीके? रेफरेंस रेफरेंस के लिए ढूंढ रहे हो वेरी गुड लुक अप टू का मतलब है किसी को आदर भाव से देखना रिस्पेक्ट करना रिस्पेक्ट करना हाँ और लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना किसी को इंसल्ट करना चलो ये तो इतना हो गया ये अपने दिमाग में स्मान लुक इंटू इंटू मतलब एकदम गंदर तक जाके देखो गहराई में देखो जांच पड़ताल करो इन टू मतलब अंदर अंदर बाहर अच्छे से करके देख लो एग्जामिन करो लुक अप ये हो गया अब यहां से और शुरू करते हैं एक दो तो रिवीजन कर लेना एक है लुक ओवर ठीक है लुक ओवर या लुक थ्रू दूसरा है लुक ऑन तीसरा है लुक ऑन एज लुक ऑन एज चौथा है लुक फॉरवर्ड लुक फॉर अभी आंसर मत देना लुक फॉरवर्ड टू लुक और क्या था लुक टू लुक टू था और एक था लुक आउट लुक आउट था <laughs> चलो आंसर आई थिंक कवर हो गया है सब ठीक है चलो बता दो लुक थ्रूक लुक ओवर और लुक थ्रू का मतलब है एकदम एग्जामिन करना केयरफुली किसी चीज़ को एग्जामिन करना अकाउंट्स वगैरह लुक ऑन का मतलब क्या होता है लुक ऑन का मतलब है किसी चीज को देखना विदाउट पार्टिसिपेटिंग मतलब बिना हेल्प किए सिर्फ खड़े होकर देख रहे हो बिना बिना भागीदारी बिना पार्टिसिपेट किए बस लुक ऑन कर रहे हो सिर्फ देख रहे हो कुछ हेल्प वगैरह नहीं कर रहे हो और ये लुक ऑन इसका मतलब है कंसिडर करना मानना मैं तुमको अपना सबसे बेस्ट स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ मानता हूँ रिगार्ड करता हूँ लुक ऑन में जस्ट वॉच करना हेल्प नहीं करना लुक फॉरवर्ड फॉरवर्ड का मतलब आगे देखो आगे देखो आगे अच्छी अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करो और लुक टू का मतलब होता है ना अच्छा लुकअप का एक और मतलब होता है ढूंढने के अलावा लुकअप का एक मतलब इम्प्रूव भी होता है लुक टू का मतलब क्या है अपने आप को कैसे बेटर बनाना है चीजों को अच्छा कर देना और लुकआउट का मतलब होता है वेरी केयरफुल होना बहुत केयरफुल होना केयरफुल होना चलो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि स्टार्ट किया जाए क्वेश्चंस क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए एक बार मुझे रिस्पॉन्ड कर दो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए यस yes, मैम कहीं ऐसा तो नहीं है ना पिछला वाला भूल गए हैं एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये सब याद है रिवीजन कर रहे हो क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना बार 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 रिवीजन करवाऊँ आप अपना पुट और कॉल वाला करते रहे ना और आज तो आपके पास लुक वाला भी पहुंच गया हो जाएगा फिर हम लोग लास्ट में ना लास्ट में एक साथ फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट लाती ना तो आप बोलते कि मैम हमें तो याद भी नहीं है किसका क्या होगा लेकिन अब आप नहीं बोल सकते हो ना अब तो मैं आपको सब एक साथ करवा रही हूँ माई माम हैज गॉन टू फ्रांस फॉर अ वीक सो आई हैिटिल सिस्टर याद है ना रिविजन एकदम करना है क्योंकि सारा फ्रेजल वर्ब ना आपके हाथ में है मैं क्या करूंगी ज्यादा से ज्यादा यहाँ कुछ देर तक आपको रिवाइज करवाऊंगी जब मैं टेस्ट लूंगी ना सब याद है अच्छा मेरी मॉम गई है फ्रांस तो मुझे अपने छोटी सिस्टर का देखभाल करना है ना देखभाल ये आंसर ये आंसर है लुकअप का मतलब चलो यहाँ पे एक दो बार और रिवाइज़ होगा चलो लुकअप का मतलब जल्दी से बताओ लुकआउट का मतलब बताओ लुक फॉर का मतलब बताओ लुक फॉर का मतलब है ढूंढना लुकअप का मतलब भी है डिक्शनरी में मीनिंग वगैरह ढूंढना और एक लुकअप का मतलब है इम्प्रूव होना लुकआउट का मतलब है केयरफुल रहना आंसर लुक आफ्टर है लुक आफ्टर का मतलब है केयर करना नेक्स्ट प्लीज कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी आई डोंट नो वॉट इट मीन जल्दी 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 कल मैंने वन वर्ड जो प्री में आए हुए जितने भी वन वर्ड करवाए ना उसका पीडीएफ डाल दिया है टेलीग्राम पे देख लेना यस कैन यू लुक अप टू लुक अप टू का मतलब क्या है लुक अप टू का मतलब है रिस्पेक्ट लुक ओवर का मतलब है एग्जामिन करना किसी भी चीज को ध्यान से एग्जामिन करना लुक फॉर का मतलब है ढूंढना और लुकअप का मतलब भी ढूंढना बट डिक्शनरी वगैरह में मीनिंग ढूंढ रहे हो तो लुकअप लुकअप ये आंसर लुकअप लुकअप वेरी गुड आई रियली डैशर आई थिंक शी इज अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर यंग वुमेन आई रियली डैशर लुक इन टू लुक फॉर लुक फॉरवर्ड टू लुक अप टू मैं उसको हाँ मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उसको रिस्पेक्ट की भावना से देखती हूँ वो सारे विमेन के लिए एक रोल मॉडल है तो आई लुक अप टू आई लुक अप टू आई रिस्पेक्ट हर लुक फॉरवर्ड टू का मतलब तो एक्सपेक्ट करना होता है लुक इन का मतलब तो जांच पड़ताल करना है और लुक फॉर का मतलब है तो ढूंढना आपको लग रहा होगा ना कि मैम ये बार बार आप हर ऑप्शन में क्यों लिख दे रहे हो ये हर ऑप्शन में ना आप ही के लिए लिख रही हूँ क्योंकि बार बार मैं लिखूंगी ना तो यहाँ पे भी रिविजन होगा बार बार मैं लिखती रहूंगी तो मेरे मैं भी मैं भी तो अपना फ्रेजल वर्ब को स्ट्रॉन्ग करूंगी ना मैं भी लिखूंगी तो मेरा भी मेरे को भी याद रहेगा इंप्रूव होगा और आपको तो होगा ही होगा आई रियली डैश माई ईयरली ट्रिप टू पेरिस लुक आउट लुक फॉरवर्ड टू लुक फॉर मेरे को भी तो फ्रेजल वर्ब याद रखना है मैं तो अपने पेरिस ईयरली मैं हर साल जो पेरिस जाता हूँ ना ट्रिप पे पेरिस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ <laughs> आपके कंसर्न से ज़्यादा मुझे मैं भी अपना भी याद कर रही हूँ लुक फॉरवर्ड टू लुक अप मैं अपने पेरिस को ट्रिप को ढूंढ थोड़ी रही हूँ इम्प्रूव थोड़ी कर रही हूँ बहुत केयरफुल थोड़ी हो रही मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ आई एम रियली वेटिंग फॉर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रिप मतलब यू आर वेटिंग यू आर एक्सपेक्टिंग योर ट्रिप और ये लुक फॉर तो ढूंढना है खोए हुए चीज़ को प्लीज़ कुड यू डैश माई ऐसे एंड चेक फॉर एनी मिस्टेक्स क्या मेरे ऐसे को देखो क्या और देखोगे मैंने कोई मिस्टेक वगैरह किया है कि नहीं पढ़ो ध्यानपूर्वक मेरे ऐसे को और सेशन्स अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेजल वर्ब का आपको यूट्यूब पे ऐसा कहीं भी किसी चैनल पे ऐसा सेशन नहीं मिलने वाला है तो थोड़ा ना इस फ्रेजल वर्ब के सेशन को रिस्पेक्ट करो और सेशन को लाइक ज़रूर करो मैं देख रही हूँ ना पिछले वीक का जो फ्रेजल वर्ब का आपका एनर्जी और एंथुजियाजम है इस वीक में मेरे को नहीं दिख रहा है इस वीक में मेरे को फ्रेजल वर्ब का एनर्जी लेवल दिख नहीं रहा है क्या चाहते हो आधा अधूरा फ्रेजल वर्ब करवा के छोड़ दूँ बहुत जोश में आए थे पिछले बार और जो अभी तक टिका हुआ है ना हाँ जो जो बच्चा अभी तक टिका हुआ है वही तो एग्ज़ाम निकालेगा नहीं तो जोश में तो सब आते हैं जोश में तो सभी लोग आते हैं लुक थ्रू लुक थ्रू लुक थ्रू का मतलब होता है एग्जामिन करना लुक ओवर या लुक थ्रू का मतलब मेरे मेरे ऐसे को ध्यान से एग्जामिन करो और देखो कि कोई गलती की है मैंने अब मेरे ऐसे का जांच पड़ताल थोड़ी करोगे इन टू थोड़ी, uh, थोड़ी करोगे और मेरे ऐसे को वॉच थोड़ी करोगे और मेरे ऐसे को रिस्पेक्ट थोड़ी करोगे लुकअप टू आंसर इज लुक व्हेन आई डैश माय लाइफ आई रियलाइज हाउ मच अच्छा ये मैंने आपको नहीं करवाया ये मैंने हम्म जो लास्ट तक टिका रहता वही एग्जाम निकालता है ये तो मुझे पता है ये मैंने आपको नहीं करवाया लुक बैक ऑन इसको भी लिख लो कहीं लुक बैक ऑन का मतलब है थिंक अबाउट द पास्ट लुक बैक मांगा पीछे की चीजों को याद करना थिंक अबाउट द पास्ट अपने पास्ट के बारे में सोचना लुक बैक लुक बैक मतलब पीछे पीछे देखना और सोचना कि क्या क्या किया है जब मैं अपने लाइफ के पास्ट में सोचता हूँ ना तो आई रियलाइज कि मैं अब कितना मच्यूअर हो गया हूँ आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन लुक बैक ऑन मतलब टू रिमेंबर पास्ट पास्ट को याद करना और लुक एंट्री तो जाँच पड़ताल और आउट तो केयरफुल होना लुकअप का मतलब है एक इम्प्रूव होना और एक सर्च करना ठीक है और लुक इन टू इज पड़ताल इन्वेस्टिगेट के साथ इन टू मतलब लुक बैक ऑन पास्ट के बारे में सोचना लिख लो इसको डैश हिज गॉट अ गन थिंक अबाउट द पास्ट वो क्या भूल जाता हूं क्या करूँ? पहले तो मुझे बोलो पांच छः साल पहले दस साल पहले कोई मूवी देखा होगा ना गजनी मूवी देखा होगा दस पंद्रह साल पहले वो तो याद है ना अब मुझे बताओ कि वो आपको कैसे याद है और वो क्या आप क्यों भूल जा रहे हो रेट्रोफाइल रेट्रोस्पेक्शन करना रेट्रोस्पेक्शन मतलब पास्ट की चीजों को याद करना यस yes, देखो उसके हाथ में गन है बी केयरफुल लुक इन टू थोड़ी होगा लुक एट थोड़ी अरे लुक एट लुक एट वॉच देखो उसके हाथ में गन है तो यहाँ पे सबसे सबसे लुक एट देखो एट जब होगा ना एट वर्ड तभी लगाओगे जब बाद में एक ऑब्जेक्ट आएगा आई वॉज लुकिंग लुक एट हिम लुक एट का मतलब होता है वॉच लुक एट लुक एट का मतलब होता है वॉच करना ध्यान देना इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा आता है बट इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता ऑब्जेक्ट नहीं आता है लुकआउट का मतलब क्या है केयरफुल लुकआउट लुकआउट का मतलब है बी केयरफुल उसके पास बंदूक है केयरफुल हो जाओ लुक एट करो लुक ऐट हाँ लुक ऐट लुकआउट होगा लुक एट नहीं होगा ऐट होता तो जरूर उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है लुक एट हिम होता लुक एट हर लुक एट हिम यहाँ पे लुक आउट वेरी केयरफुल बी केयरफुल बी अलर्ट आई थिंक शी इज डैश मी शी ड थिंक आई एम एज गुड एज सिंगिंग एज शी इज शी डेंट थिंक उसको ऐसा नहीं, वो नहीं सोचती है ना उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं भी उसकी तरह सिंगिंग में बहुत अच्छा हूं तो वो क्या करती है मुझे क्या समझ रही है लुक आउट होगा हाँ लुकआउट होगा हाँ शी लुक डाउन अप ऑन शी लुक डाउन ऑन मी मतलब मेरे को वो इंसल्ट है मेरे को बहुत इंफीरियर समझती है क्योंकि मैं उसकी तरह नहीं हूं ना स्विमिंग सिंगिंग में ियर समझती है आउट तो केयरफुल हो गया look up to का मतलब है है वो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करती आई डैश ऑन माई कॉलेज डेज वही है जब मैं अपने कॉलेज डेज को याद करता हूं ना तो आई कान बिलीव क्रेजी थिंग्स वी डिड एज स्टूडेंट्स वही है लुक बैक ऑन ठीक है ये मैंने आपको नहीं करवाया लुक बैक मतलब पीछे देखना मतलब पास्ट को देखना जब मैं अपने कॉलेज के दिनों को याद करता हूँ ना मैं कॉलेज के दिनों को रिकॉल करता हूँ तो मुझे याद आता है कि हमने कितने क्रेजी क्रेजी थिंग्स की हैं लुक डाउन अपॉन का मतलब तो इंसल्ट है और लुक आफ्टर के साथ तो ऑन आता ही नहीं है केयर करना और लुक आउट इज केयरफुल बार रिपीट हो रहा है हो सकता है आज रात के सपने में आपको फ्रेजल वर्ब्स ही आए He offered to look dash the report to establish the full story. नहीं मेरा इंग्लिश का ना पर्सनल कोई भी ऐप मतलब प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं पढ़ा रही हूं अभी मैं सिर्फ आन अकेडमी पे ही हूँ लुक थ्रू लुक थ्रू द रिपोर्ट लुक थ्रू का मतलब होता है रिपोर्ट को अच्छे से एग्जामिन करो ताकि हम पूरी कहानी बना सके ही डैश इज कलीग्स बिकॉज ही हैज अ डिग्री बट दे हैव इंट वो अपने कलीग्स को डैश करता था क्योंकि उसके पास डिग्री था और उसके कलीग्स के पास नहीं थे तो क्या था? करता था इंसल्ट करता था

छह महीने पहले तो हालत हमारी खराब थी बट अब चीजें लुकिंग लुक अप लुक अप का एक मतलब इम्प्रूव भी तो होता है एक लुक अप का मतलब ढूंढना होता है और एक थिंग्स आर ना थिंग्स इंप्रूविंग इम्प्रूविंग लुकिंग बैक नहीं होगा बट <laughs> नाउ अभी बैक कहाँ अब चीजें एक तो इम्प्रूव भी होता है वीना लेफ्ट हर जॉब वीना ने अपना जॉब छोड़ दिया मदर की देखभाल करने के लिए एयर कंड Tim हैज़ ऑलवेज डैश हिज फादर एंड होप्स वन डे टू emulate हिज सक्सेस Emulate करना मतलब किसी को कॉपी करना कॉपी करना फॉलो करना तो टेम हमेशा अपने फादर की रिस्पेक्ट करता है और सोचता है कि एक एक दिन मैं भी अपने फादर के नक्शे कदम पे चलूँगा मैं भी उसकी तरह सक्सेसफुल होऊँगा। इसका मतलब वो फादर को रिस्पेक्ट करता है इंसल्ट थोड़ी करता है लुकअप का मतलब ढूंढना और इम्प्रूव हो गया और एक इम्प्रूव है और एक ढूंढना तो लुक फॉर भी नहीं होगा लुक अप टू फादर की रिस्पेक्ट करता था और सोच रहा था कि मैं भी अपने फादर की तरह बनू यू नीड टू डैश द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी डिक्शनरी में मीनिंग का निकालना है तो लुक फॉर भी होता है लुक अप भी होता है बट रेफरेंस के लिए ढूंढ रहे हो लुक अप कोई चीज खो गया है उसके लिए लुक फॉर द ग्रेजुएट्स डैश टू हैव अ वोकेशन द ग्रेजुएट्स डैश टू हैव अ वोकेशन इससे ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स आप कोई हेल्प नहीं हो सकती है ये मैक्सिमम हेल्प है फ्रेजल वर्ब्स के लिए अब आपको बार बार रिविजन करना है बार बार बोल रहे हो ना कोई ट्रिक्स नहीं है ग्रेजुएट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं छुट्टी का दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देखो यहाँ पर टू लगा है लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है लुकिंग एट टू डैश अ फास्ट कार इज अप्रोचिंग सावधान हो जाओ एक ते, कार तेजी से आ रही है सावधान हो जाओ लुक बैक ऑन तो नहीं होगा लुक बैक ऑन का मतलब है रिमेम्बर करना ठीक है लुक एट लुक एट भी नहीं होगा एट तब होता है ना जब बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है लुक आउट लुक आउट मतलब सावधान हो जाओ बी केयरफुल कार आ रही है यू शुड डैश द मैटर मैटर की जांच पड़ताल करो लुक इन टू द मैटर दूसरा आई वॉज डैश माई एल्डर ब्रदर आप अपने भाई की क्या कर रहे थे लुकअप लुकअप रिस्पेक्ट कर रहे थे तो लुकअप टू आना चाहिए था बट ये होगा नहीं आई वॉज लुकिंग फॉर ऑन भी नहीं होगा आई वॉज लुकिंग क्या फॉर माई एल्डर ब्रदर लुकिंग फॉर का मतलब है आप अपने बड़े भाई को ढूंढ रहे थे आई वॉज लुकिंग फॉर भाई आपका खो गया है ढूंढ रहे थे लुकिंग टू द मैटर मैटर की जांच पड़ताल करो वी आर डैश हमारी जो चाबी खो गई है हम उसको ढूंढ रहे थे और खोई हुई चीज को ढूंढना इज लुकिंग फॉर लुक अप तो डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढना द ईगल ईगल इज डैश प्रे द ईगल इज लुकिंग इन टू लुकिंग ओवर लुकिंग आउट फॉर लुक आउट फॉर हाँ अपनी शिकार के लिए ईगल चलो बताओ आंसर बताओ द ईगल इज लुकिंग लुकिंग आउट एकदम तत्पर है तत्पर है लुकिंग आउट फॉर लुकिंग आउट फॉर का मतलब है अपनी शिकार को लेकर चारों तरफ अलर्ट है द ईगल है बहुत तत्पर है बहुत अलर्ट है अलर्ट लुकिंग थ्रू थोड़ी है, अपनी प्रेम मतलब शिकार लुकिंग आउट फॉर द इंडियन इकोनॉमी हमारा इंडियन इकोनॉमी धीरे 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 ग्रो कर रहा है धीरे धीरे इकोनॉमी की हालत इंप्रूव हो रही है माई अंकल लुक्स आफ्टर मी अंकल आपकी देखभाल करते डैश योर मैनर्स हाँ बताओ अपने तौर तरीकों को लेकर लुक टू करो लुक टू करो मतलब अपने तौर तरीकों को ना पहले से भी अच्छा बनाओ लुक टू योर मैनर्स मतलब चीजों को लुक टू मत लुक टू का मतलब इस चीजों को और भी ध्यान दो उसको सुधारो लुक टू डैश द वर्ड इन द डिक्शनरी है तो कर दिया लुक ऑफ दर्ड डिक्शनरी वाला बहुत आ गया आई डैश हिम एज माई सान मैं उस मैं उसको ना अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करता हूँ लुक आफ्टर इफ यू डोंट नो वॉट द वर्ड मीन्स यू एड बेटर लुकअप बहुत आ गया है ना लुक इट अप लुकअप करना मतलब डिक्शनरी में मीनिंग देखना डिक्शनरी में मीनिंग वगैरह ढूंढना थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं आराम आराम से नहीं करना है देखो मैं आराम आराम से करूँगी ना तो आप ही का टाइम वेस्ट है कम ऑन गाइज चलिए गाइज लोग बताइए कि क्या है ट्वेंटी सेवन का और मैं गाइज लोगों से ना ट्वेंटी सेवन का वर्ड का आंसर लेने के लिए ना पता चला कि पाँच मिनट खड़ी हूँ हर क्वेश्चन पे पाँच मिनट वेस्ट होगा तो ज़्यादा ऑनलाइन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है फटाफट आंसर दीजिए क्लास खत्म करिए और जाके रिविजन करिए ओके ऐसा नहीं हमारे पास पढ़ने को बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा कंटेंट है ना इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लुकेटअप तो गाइज लोगों के लिए मैं फाइव मिनट्स थोड़ी वेट अप, वेट करूँगी अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ और अपने गाइज लोग का भी कर रही हूँ वी डैश टू रिसीविंग अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर लेटर हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से इस चिट्ठी का हमें रिप्लाई मिले तो वी आर लुकिंग फॉर वुट एक्सपेक्टिंग कोशिश करना है कम से कम समय में ज़्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाए <coughs> नहीं तो हमारे गाइस लोग को तो आधा मज़ा आता है यूट्यूब पे क्लास करने के लिए हमारे गाइस लोग को बहुत मजा नहीं आता है सेल्फ स्टडी करने में जिस दिन हमारे गाइस लोग को रियलाइज हो जाए ना कि एग्जाम का मूल मंत्र प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी है तो उस दिन तो उसको कोई भी एग्जाम निकालने से रोक नहीं लगता बट हमारे गाइज को हर चीज़ यूट्यूब से ही करना है कर भी रहे हो तो फटाफट करके जाओ लुकिंग फॉरवर्ड एटलीस्ट हाफ अ डजन पीपल देखो यहाँ पे ना यहाँ पे इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग दे दिया है अभी कभी कभी हमारे स्टेट एग्जाम्स में ऐसा भी आता है फ्रेजल वर्ब का मीनिंग दे दिया है बस आपको बताना है सेल्फ <coughs> स्टडी करना है हमारे गाइज को पता है बट हमारे गाइज एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कैरी आउट नहीं कर पाते हमारी गाइस को तो सिर्फ पीडीएफ चाहिए मैम पीडीएफ दे देना दे मैम भूलना नहीं दे देना मन की शांति के लिए दे देना दे बस अब खड़े हो देख रहे हो कुछ कर नहीं रहे हो लुक ऑन होता है ना ऑन का मतलब है सिर्फ देखते रहना कुछ करना नहीं और आई डैश सीइंग माई फ्रेंड्स अगेन मैं अपने फ्रेंड्स को से फिर फिर से मिलने की आशा कर रहा हूँ लुकिंग फॉरवर्ड टू देखो ये लुकिंग फॉरवर्ड टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इसके बाद आई आता है आई लुक आफ्टर seeing नहीं होगा लुक एट सींग नहीं होगा लुकअप नहीं लुक फॉरवर्ड दूसरा अब एक दो और बज गया इट्स अ फॉली इट्स अ मिस्टेक ये गलत होगा आपके साइड से कि आप गरीबों को तुच्छ नजर से देखेंगे लुक डाउन अपॉन इट्स अ मिस्टेक ऑन योर पार्ट आपकी तरफ से यह गलती होगी गरीबों को इंसल्ट करोगे और एक दो और होगा आई डोंट नो वेयर माई बुक इज मेरे को नहीं पता है माई बुक इज मुझे उसको ढूंढना होगा आई विल लुक फॉर खोई हुई चीज को ढूंढना इज लुक फॉर डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढना इज लुकअपी वॉज फॉर्मड कमिटी बनाया गया बिल्डिंग के देखभाल के लिए दोनों का मतलब एग्जामिन होता है ओके अब सेंटेंस में थोड़ी पता चलेगा जल्दी एग्जामिन कर रहे हो या ऊपर ऊपर से एग्जामिन कर रहे हो केयरफुली कर रहे हो आ, कमिटी मीटिंग बिल्डिंग की देखरेख के लिए कमिटी बनाया गया ढूंढने के लिए नहीं वॉच करने के लिए नहीं देखभाल के लिए और आ गया ही वॉज नॉट द ब्लैक बोर्ड वो ब्लैक बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा था जब टीचर लिख रहे थे ना तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ नहीं लिख देख रहा था देखो हमारा करीब करीब एक फ्रेजल वर्ब हो गया ना डिटेल में लुक एट लुक एट ही वॉज नॉट लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा था इज नॉट लुकिंग एट हम लोग के पास पढ़ाने का बहुत कुछ है लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना ही इज़ नॉट लुकिंग एट हो गया मुझे लग रहा है चलो अपने स्टूडेंट्स को फटाफट बता दूँ कि मैम आपका बैच लेना है कहाँ कैसे मिलेगा सबसे पहले तो ये नंबर नोट कर लीजिए डबल नाइन फाइव एट थ्री फाइव एट थ्री टू फोर ये नंबर है ये जो आपको हेल्प करेंगे यहाँ भी कहीं था यहाँ भी है <coughs> अभी मेरे मेरे अभी सारे बैचेस ना अन अकेडमी पे चल रहा है मेरा अभी कोई पर्सनल ऐप वगैरह नहीं है एट प्रेजेंट मैं अन अकेडमी पे सारे बैचेस ले रही हूँ तीन तीन बैचेस चल रहा है एक तो फाउंडेशन बैच चल रहा है साढ़े तीन से ठीक है ग्रामर का बैच चल रहा है जिसमें आज मैं टेंस खत्म करने वाली साढ़े तीन बजे का बैच हो गया और एक वो कैप का समुद्र मंथन थ्री पॉइंट ओ चल रहा है अब थ्री पॉइंट ओ देखने के लिए आपको पहला दोनों पार्ट देखने की जरूरत नहीं है थ्री पॉइंट ओ से ही स्टार्ट करेंगे ये साढ़े नौ बजे का बैच ये सबसे खूबसूरत बैच है वो कैप का और मेन्स का बैच भी चल रहा है मेन्स का बैच कब कब चल रहा है ट्यूजडे को चल रहा है थर्सडे को चल रहा है अभी मैं मेन्स का बैच ही पढ़ा के आ रही हूँ सुबह साढ़े बजे और जो बच्चे फ्री में मेन्स का बैच करना चाहते हैं वो सैटरडे और संडे को आ जाएंगे आपको पता है ना सैटरडे संडे मेंस का बैच फ्री चलता है तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जिनका सिलेबस हो गया है इसमें मैं नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी करवाती हूँ और आपको अन अकेडमी पर एडमिशन लेने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना है रनी टेन इससे क्या होगा आपको दस परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और सिर्फ मेरे ही तीन बैचेज नहीं मिलेंगे इसी फीस पर आपको मैथ्स रीजनिंग जी सब मिल जाए ठीक है सारा सारा मिल जाएगा सारा मिल जाएगा और ये सौरभ का नंबर है डबल नाइन फाइव एट कोई भी है एडमिशन लेने के पहले एक बार इनसे बात ज़रूर कर लीजिएगा ये आपको सही गाइड कर देंगे और डिस्काउंट ज़्यादा कैसे हो सकता है आपको गाइड करेंगे मैम का स्पेशल क्लास देखते हो ना क्विज़ वगैरह खेलते हो तो और भी पॉइंट्स मिलेगा और भी डिस्काउंट हो जाएगा हेल्प करेंगे ये आपको हेल्प कर देंगे और ये हाँ अन अकेडमी पे फिफ्टीन जनवरी को हाँ एक चीज़ मुझे और बताना था कि मैं जो मेंस का क्लास लेती हूँ ना अन अकेडमी पे मेन्स uh, का फ्री है जो बच्चा करना चाहता है या जिसका सिलेबस खत्म हो गया मीन्स नहीं भी देना इस बैच में आ जाइएगा ये मेन्स का फ्री बैच है ये अन अकेडमी के स्पेशल क्लास पे चलता है अगर दिक्कत हो रही है टेलीग्राम से जुड़ जाना बैच ढूंढने में दिक्कत होती है ना टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा क्योंकि जिस जिस दिन ये क्लास होती है मैं सुबह क्लास का लिंक डाल देती हूँ डायरेक्टली लिंक पे जाके आप क्लास कर सकते हो uh, वैसे तो मैं सैटरडे वैसे तो मैं सैटरडे ग्यारह बजे लेती हूँ और संडे को साढ़े बारह बजे लेती हूँ ये फ्री है सारे बच्चों के लिए ठीक है लेकिन इस सैटरडे को ना ग्यारह बजे की जगह साढ़े ग्यारह बजे हो और संडे तो वैसे होगा ही सारे फ्री बैचेस है ये सब मेन्स का आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है पेड वाला कंटेंट मिल रहा है और संडे को फिफ्टींथ जनवरी को अन अकेडमी ने एक टेस्ट कंडक्ट करना है वो दो बजे टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं दोपहर को दो बजे जनवरी फिफ्टींथ स्कॉलरशिप टेस्ट है आप इस टेस्ट को दीजिए और आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप है ठीक है ये टेस्ट दीजिएगा जरूर ठीक है ताकि जो बच्चों को थोड़ा सा डिस्काउंट और करवाना है इस टेस्ट के थ्रू कर लेंगे एम का बैच है ओके ये सब इसमें मैं नहीं हूँ ये बैच है सिलेक्शन का संकल्प पथ बैच है इसे एक बैच का नाम है वन स्टॉप सोल्यूशन है एन अकेडमी आइए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन पे जो नंबर बताया है, उस पर कॉल कर लेना नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है नोट्स कैसे कैसे क्या क्या करना है ये टीम आपको गाइड कर देगी कॉम्पीट फीचर है आपको एक कॉम्पिटिटर दिया जाएगा उसके साथ क्विज खेल सकते हैं हाउ यू शुड यूज़ अ डा आज का डाउट फीचर भी है डाउट वगैरह का स्क्रीन शॉट भेजोगे वो आपको वहाँ से भेजेंगेगा ओके okay, चलो थैंक यू एवरी वन कल कल फ्रेजल वर्ब का सेकेंड सीरीज शुरू होगा ছটা ফ্ৰিজল্ট পাব